अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दरकेश यूट्यूब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आ गई हूँ मैं अपने नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सा फेस शीट मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट, ग्लोइंग और ब्राइट कर देगा। हम घर पर ही शीट मास्क तैयार करेंगे जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी कर देगा, और ये बाज़ार के एक्सपेंसिव शीट मास्क से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमडी है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच दें। तो आज की जो हमारी रेमडी है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। तो आपने इस रेमडी को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हमारी रेमडी बहुत ही इफेक्टिव भी होने वाली है, और इसके साथ इसके अंदर किया गया एक भी गलत स्टेप आपकी पूरी रेमडी को ख़राब कर सकता है। इसलिए आपने इसको गौर से देखना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और इस रेमडी से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है जी फ्रेश एलोवेरा जेल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एलोवेरा जेल जो होती है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हमारे ओपन पोर्स को कम करती है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ और हाइड्रेट करती है। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल ले लेनी है, आपने बाजार की एलोवेरा जेल से अवॉइड करना है। उसके बाद आपने इसका छिलका उतार के इसके अंदर से हम गोदा अलहदा कर लेना है। उसके बाद हम इसे इसके अंदर से आपने सारा गोदा निकाल लेना है, आपने इसका गोदा अलहदा कर लेना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा शायद कि ये जो एलोवेरा जेल होती है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे फेस पर पिंपल काजिंग बैक्टीरिया को किल करके हमारी स्किन से पिंपल्स से प्रिवेंट करती है हमारी स्किन को, और इसके साथ साथ हमारी स्किन पर जो मौजूद रिंकल्स होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करके हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइट और ब्राइट कर देती है। एलोवेरा जेल के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जिन इस एलोवेरा जेल को आप सिंपली ऐसे भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने फेस पर ज़रूर कुछ ना कुछ डेली अप्लाई कर लिया करें। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ भी रहेगी और आपकी स्किन इन इंग्रेडिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा आदी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे, और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो साथ के साथ आपके स्किन पर जो अक्सर बैक्टीरियाज वगैरह लग जाते हैं उनको साथ के साथ किल करती रहेगी, जिससे हमारी स्किन पर पिंपल्स की प्रॉब्लम्स पैदा ही नहीं होंगे। उसके बाद आपने ये जो हमने गोदा तैयार कर लिया है, इसका 1 स्पून भर लेना है एलोवेरा जेल का। उसको हम इसे एक किसी भी ब्लेंडर में डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ एलोवेरा को नहीं ब्लेंड करना, बल्कि हम इसके अंदर और भी 2-3 इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। आपने इन सबको इकट्ठे ऐड करके फिर ही ब्लेंडर्स में ब्लेंड करना है। उसके बाद जो अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून कॉर्न फ्लोर, यानी कि मकई का आटा। जो कॉर्न फ्लोर होता है, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। इसके साथ इसके अंदर मौजूद ABC एलिमेंट जो विटामिन होते हैं, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करते हैं, हमारी स्किन पर जो रेडनेस हो जाती है अक्सर पिंपल्स की वजह से, और ड्राइनेस को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है, और इन्फ्लामेशन जो पिंपल्स की वजह से हो जाती है उनको भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसलिए आप इसे सिंपली वाटर में एब्जॉर्ब करके भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने ले लेना है रॉ मिल्क और उसके अंदर थोड़ी सी बलाई, इसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो मिल्क होता है, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है, जो हमारी स्किन को डीपली नरिश करके हमारी स्किन को ब्राइट करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इन सब मिक्सर को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद हमने एक अदर ले लेना है जी टिश्यू के हम लोगों ने 4 पीस करने हैं, बल्कि 2 पीस करेंगे इस टिश्यू के हम। उसको हमने ये जो टिश्यू होगा, इसको हम एज अ शीट मास्क के तौर पे तैयार करेंगे। इसको हमने 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसे इस पेस्ट के अंदर अच्छे से डिप करना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। आपने इसे डिप करके अपने फेस पर अप्लाई करना है 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे ही आप टिश्यू को रिमूव करेंगे, तो इसका जो भी टिश्यू के ऊपर जितना भी मटेरियल होगा ये मास्क वाला, वो सारा सारा आपके फेस पर अप्लाई हो जाएगा। ये जो फेस का शीट मास्क हमने रेडी किया है, ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाएगा, आपकी स्किन से ओपन पोर्स को रिड्यूस करेगा, डर्ट को रिमूव करेगा, और आपकी स्किन पर जितने भी अदर प्रॉब्लम्स होंगे उनको काफ़ी हद तक कम कर देगा। इसके अंदर जो एलोवेरा जेल और कॉर्न फ्लोर है, ये आपकी स्किन से रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, और इसके साथ आपकी स्किन को काफ़ी हद तक नरिश करके आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और स्मूथ बनाएगा। आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर 5 से 10 मिनट के लिए। जब आपको लगे कि ये हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गया, उसके बाद आपने इसको रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के बाद आपने अपने हाथ को उसी पेस्ट के अंदर डालना है वापस से, और उससे अच्छी तरह आपने इसको वेट करके आपने फिर से सर्कुलर मोशन में 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में आपने इसको मसाज करनी है। इससे ये एक बहुत ही इफेक्टिव शीट मास्क है,
जो आपकी स्किन को एक दफ़ा के यूज़ में ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नर्म मुलायम भी कर देगा और आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट भी करेगा और आपकी स्किन पर जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सबको रिड्यूस कर देगा, आपकी स्किन के रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाएगा और आप इसका रिजल्ट एक ही दफ़ा के इस्तेमाल में देख सकेंगे। आपको सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल में ही इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अमेजिंग रेमेडी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ आपके पास टाइम टाइम पहुँचती रहें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो भी ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और आसान रेमडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें।